आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। जहां लॉकडाउन के दौरान शहर में नागरिक सब्जी, फल, फ्रूट एवं किराना सामग्री को लेकर जूझते नजर आए, वहीं दुग्ध वितरण की सुचारू व्यवस्था ने आम जनता को काफी राहत प्रदान की। लॉकडाउन के दौरान दुग्ध वितरण की खासियत यह रही कि लोगों को निर्धारित शुल्क में ही घर पहुंच सेवा के साथ दूध उपलब्ध होता रहा। आज इसी विषय पर मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने कहा कि सुचारू दुग्ध वितरण व्यवस्था के लिए समस्त दुग्ध विक्रेता साथियों के साथ ही इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के सकारात्मक निर्णयों ने आम जनता को घर पहुंच सेवा के साथ दूध वितरण में महती भूमिका निभाई है। माननीय कलेक्टर द्वारा दूध की दुकान नहीं खोलने को लेकर हॉकरों के माध्यम से दूध बंटवाने का निर्णय काफी अच्छा रहा। श्री मथुरावाला ने कहा कि कुछ लोगों ने शुरू में अफवाह फैलाई कि दूध से भी कोरोना हो रहा है, जबकि ईश्वर के आशीर्वाद से न तो इंदौर में किसी को दूध से कोरोना हुआ और न ही किसी दूध बांटने वाले को कोरोना हुआ। दुग्ध विक्रेता संघ के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा 50 रुपए लीटर में लोगों को दूध उपलब्ध कराया गया, जबकि आवश्यक खाद्य सामग्री में कालाबाजारी के आरोप ही लगे, किंतु दूध की बिल्कुल भी कालाबाजारी नहीं हुई। श्री मथुरावाला ने कहा कि सांची का दूध किसानों को 6 से 7 रुपए लीटर कम देने के बाद भी जनता को राहत प्रदान नहीं की गई, जबकि हमने किसानों को भी पूरा पैसा दिया और दूध की कीमतें भी नहीं बढ़ाई। शुरुआत जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त प्रशासन ने दूध विक्रेताओं को घर घर दूध बांटने के आदेश घर पहुंच सेवा के दिए थे। उस संदर्भ में सर्वप्रथम दूध विक्रेताओं ने घर घर दूध का वितरण करा। शुरुआत के हालातों में दूध के लिए उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रही थी। जिलाधीश महोदय माननीय मनीष सिंह जी ने हमें आदेश दिया था कि उपभोक्ताओं को घर पर ही दूध उपलब्ध कराए ताकि दूध की किसी को परेशानी नहीं हो। इसके संदर्भ में हमने दूध विक्रेता संघ के सदस्यों से बात की। शुरुआती दौर के अंदर इंदौर के दूध विक्रेता काफ़ी भयभीत थे कोरोना से कि हम हमारी जान जोखिम में डाल के दूध नहीं बांटेंगे, लेकिन जिलाधीश महोदय के आदेश के बाद हमने उनको समझाइश दी, बताया कि ये मानव सेवा है, अभी संकट का दौर है, इस संकट के दौर में यदि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए दूध विक्रेताओं ने घर घर पहुँच के दूध की सेवा दी, पर शहर के अंदर एक समय दूध बांटने की सामान्य स्थिति लाने का हमने भरपूर प्रयास करा, जिसमें हमें सफलता मिली। 1 जून के बाद हमें ये आदेश दिया गया कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दूध की दुकानें खोल सकते हैं, जिसके अंदर शटर के बाहर बैठकर आप दूध बांटेंगे या आधा शटर खोल के दूध बांटेंगे। तो आज वर्तमान समय में दूध की जो स्थिति है शहर में, उपभोक्ताओं को पूर्ति पूरी हो रही है, किसी भी प्रकार का जो परेशानी उपभोक्ताओं को नहीं हो रही है। इसके लिए हम जिलाधीश महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिस सूझबूझ से दूध वितरण पूरे शहर के अंदर करवाया है वो निश्चित रूप से एक उदाहरण है अपने आप में, और आम उपभोक्ता जो है दूध के वितरण से खुश भी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज तारीख तक 12 जून तक न तो किसी को दूध से संक्रमण हुआ है, क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ ऐसी बातें उठी थी कि दूध के माध्यम से कोरोना फैल सकता है, न तो दूध से कोई संक्रमित हुआ है व न ही एक भी दूध वाला कोरोना का पेशेंट हुआ है। जितने दूध वाले हैं ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ हैं और पूरे शहर की सेवा कर रहे हैं। मनीष सिंह जी ने आते से ही एक बार शुरुआत में तो दूध पर प्रतिबंध लगा दिया था, आपको भी शायद ध्यान होगा जी, और एक बार बहुत जबरदस्त अफरा तफरी मच चुकी थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? शुरुआती दौर में जब दूध की अफरा तफरी मची थी तो मनीष सिंह जी जो है उन्होंने आदेश दिया कि आप लोगों को घर घर पहुँचाएँ दूध। उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय से 24 घंटे का समय मांगा था कि 24 घंटे के अंदर हम दूध की जो व्यवस्था है वो सामान्य कर देंगे। एक समय दूध बांटा और हमने उपभोक्ताओं से निवेदन करा कि एक समय में आप पूरे दिन का दूध मिले, शाम का दूध उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए आप पूरे दिन का दूध उपलब्ध उनको कराया, जिससे स्थिति काफ़ी सामान्य हो गई।
मार्केट में सारे सामान के भाव थोड़े बढ़ के लगे, वो दूध किस रेट तक गया है और दूध के भाव कैसे रहे? मुझे इस बात को कहते हुए इंदौर के दूध विक्रेताओं ने जो दूध दिया है पूरे शहर को 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही दूध दिया है, और शहर में एकमात्र दूध ऐसा जो खाद्य पदार्थ है जिसमें न तो किसी को एक पैसा ज़्यादा देना पड़ा न कालाबाजारी हुई। बाकी अन्य जो सामग्री हैं उन्होंने जो कालाबाजारी करी है प्रशासन के सब निगरान और जनता भी जानती है, लेकिन मैं इस बात को वह दावे से कह सकता हूँ कि इंदौर में उपभोक्ताओं को 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध दिया गया है। वह साथ ही साथ सांची ने इस लॉकडाउन के दौरान 6 रुपये प्रति लीटर जो है किसानों को कम पैसा दिया है, पहले 3 रुपये फिर 3 रुपये, यानी किसानों को 6 रुपये प्रति लीटर कम पैसा दिया, लेकिन उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया, उपभोक्ताओं से पैसा कम नहीं करा। लेकिन इंदौर दूध विक्रेता संघ ने, चूँकि किसानों के लिए संकट की घड़ी थी, उनकी फसलें खेत में खड़ी हुई थी, वो बिक नहीं पा रही थी, कटाई पे बैन लगा हुआ था, बेचने पे प्रतिबंध लगा था, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि किसानों को हम एक भी पैसा कम नहीं करेंगे। हम आज भी सांची या अन्य जो पैकिंग कंपनियां दूध ले रही उनसे 6 रुपये प्रति लीटर किसानों को पैसा दे रहे हैं, और उपभोक्ताओं को 50 रुपये प्रति लीटर के अंदर ही हम दूध उपलब्ध करा रहे हैं।